to my YouTube channel All About Commerce. In the previous video, we have discussed what is commodity market and what are the reasons for investing in commodity market. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज फॉर कमोडिटी मार्केट एंड पार्टिसिपेंट्स इन द कमोडिटी मार्केट, दैट इज हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स एक्सेट्रा. बेसिकली देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज फॉर कमोडिटी मार्केट, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NCDEX नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज. MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इज एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी एक्सचेंज बेस्ड इन इंडिया. MCX में ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर एक्सेट्रा में ट्रेडिंग होती है. NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इज एन ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज बेस्ड इन इंडिया जो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड, शुगर एक्सेट्रा. अभी हम देखेंगे व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन द कमोडिटी मार्केट, दैट इज हेजर्स, स्पेक्यूलेटर एंड आर्बिट्रेजर्स. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. हेजर्स, हेजर्स इज अ यूजर ऑफ द मार्केट हु एंटर्स इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज द रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस फ्लक्चुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कमोडिटी. हेजर्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा. अभी हम इस हेजर के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं. सपोज एक फार्मर है जिसकी वीट की खेती है. वीट का आज का भाव है 500 रुपीज पर क्विंटल, बट फार्मर को डर है कि आफ्टर 2 मंथ्स वीट का भाव कम हो सकता है. दूसरे बाजू एक बेकरी ओनर है जिसे अपनी बेकरी में वीट लगता है, बट बेकरी ओनर को लग रहा है कि वीट की प्राइस बढ़ने वाली है आफ्टर 2 मंथ्स. तो इधर फार्मर को रिस्क लग रहा है कि कहीं वीट का प्राइस आफ्टर 2 मंथ्स कम हो सकता है, और बेकरी ओनर को रिस्क लग रहा है कि वीट का प्राइस आफ्टर 2 मंथ्स बढ़ सकता है. तो इस केस में फार्मर और बेकरी ओनर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फार्मर आफ्टर 2 मंथ्स बेकरी ओनर को ₹500 पर क्विंटल वीट सेल करेगा, और बेकरी ओनर आफ्टर 2 मंथ्स फार्मर से ₹500 पर क्विंटल वीट बाय करेगा. तो इधर फार्मर और बेकरी ओनर फ्यूचर में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं टू हेज देयर रिस्क, इसीलिए हम इनको बोलेंगे हेजर्स. नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटर. स्पेक्यूलेटर इज अ ट्रेडर हु ट्रेड्स और टेक्स पोजिशन विदाउट हैविंग एक्सपोजर इन द फिजिकल मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट. अभी ये जो स्पेक्यूलेटर होता है ये बहुत स्मार्ट होता है. फ्यूचर में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशन को वो आज ही एनालिसिस करता है. स्पेक्यूलेटर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का इंटेंशन ही प्रॉफिट अर्न करना होता है. स्पेक्यूलेटर को लगता है कि आफ्टर 2 मंथ्स वीट की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, इसीलिए स्पेक्यूलेटर फार्मर के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो आफ्टर 2 मंथ्स फार्मर से सेम ₹500 पर क्विंटल वीट बाय करेगा, और फार्मर कॉन्ट्रैक्ट करता है स्पेक्यूलेटर के साथ कि वो वीट ₹500 पर क्विंटल में सेल करेगा आफ्टर 2 मंथ्स. अभी इधर स्पेक्यूलेटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. स्पेक्यूलेटर रिस्क से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा, क्योंकि स्पेक्यूलेटर श्योर है अपने फ्यूचर प्राइस एनालिसिस पे कि फ्यूचर में वीट की प्राइस 500 से इंक्रीज होगी ही. स्पेक्यूलेटर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इंटेंशन ही प्रॉफिट कमाना है फ्रॉम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट. तो ऐसे ट्रेडर को हम बोलेंगे स्पेक्यूलेटर. नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेजर्स. आर्बिट्रेजर्स इज द ट्रेडर हु बाय एंड सेल टू मेक मनी ऑन प्राइस डायरेक्शंस अक्रॉस डिफरेंट मार्केट. फॉर एग्जाम्पल सपोज मार्केट ए में वीट का प्राइस चल रहा है ₹500 पर क्विंटल. ऑन द अदर हैंड मार्केट बी में वीट का प्राइस चल रहा है ₹600 पर क्विंटल. इधर मार्केट ए और मार्केट बी में वीट की प्राइस अलग अलग है,
तो इधर आर्बिट्रेजर्स मार्केट ए से 500 रुपीस पर क्विंटल में वीट बाय करता है और मार्केट बी में 600 रुपीस पर क्विंटल में वीट सेल करता है टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीस 100। तो ये ट्रेडर दोनों मार्केट के प्राइस डिफरेंशियल्स का फायदा उठाता है टू अर्न प्रॉफिट। तो ऐसे ट्रेडर को हम बोलेंगे आर्बिट्रेजर। सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स इन द कमोडिटी मार्केट। यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।